जहां चुनावों की तारीख दिल्ली के अंदर निश्चित हुई, 25 मई को जो है चुनाव होना निश्चित हुआ है। एक चरण में दिल्ली में चुनाव होगा। दिल्ली में लोकसभा चुनाव की तारीख 25 मई को की गई, वही बीजेपी पार्टी जोरों शोरों से चुनाव प्रचार में लग गई है। जिंदाबाद पार्टी जो है घोटालों के आरोप में जेल में। इस समय हमारे प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल ग्यारह जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह ग्यारह जी हमारे बीच पहुंच चुके हैं। मैं उनका सादर अभिनंदन करता हूं। चुनाव प्रचार व्यवस्था जो है चल रही है और जीतने के पश्चात क्या कार्य होंगे जनता के लिए? हम सब के स्तंभ, मैं कहूंगी हमारे समाज के स्तंभ, जिसके आने से हम लोग धन्य हो गए, जिनके आशीर्वचन प्राप्त पर कर मैं धन्य हो गई, जिन्होंने मेरी माता श्रीमती सुषमा स्वराज की स्मृतियां से उनको जीवंत कर दिया। ऐसे मेरे बड़े भाई लाल सिंह, मेरे बड़े भाई रूपेश जी, साथ में ही मैं कहूंगी मेरे भाई लाजपत राय जी, अरे भाई विधानसभा संयोजक, और मेरे मैं कहूंगी मेरे मामा जी देवराज अहूजा जी, इस मंडल की आन बान शान, गांव अनिल भैया, मोदी जी के जनरल, इधर आओ, पहले चलो नमस्ते करो सबको, हमारे आदरणीय मंडल अध्यक्ष अनिल जी, नरेश भट्ट जी, मेरी अपनी मेरी प्यारी दुर्गा कहाँ गई, इधर आओ, मेरी छोटी बहन मीनाक्षी सुमन, और मेरा बाहुबल चौगुना करने वाला मेरा छोटा भाई ललित, और यहाँ उपस्थित थैंक यू पीयूष, जैसे पीयूष बोल रहे वैसे करते रहे जी। मेरा नाम है बांसुरी स्वराज, मैं भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हूँ, और पिछले जन्म में मैंने जरूर कोई बहुत बड़ी तपस्या करी थी या बहुत अच्छे कर्म करे थे, इसीलिए इस जन्म में श्री स्वराज कौशल को पिता के रूप में पाया है और माता के रूप में श्रीमती सुषमा स्वराज को पाया है। तालियां बंद नहीं होनी चाहिए भाइयों। मेरी संघ आयु 24 वर्ष है। मैंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत एबीवीपी के कार्यकर्ता के रूप में करी थी। आप सभी के आशीर्वाद से मैं एक वकील हूं और वकालत में ये मेरा 17वां साल है। दिल्ली की छोरी हूं, यहीं पैदा हुई, यहीं पली, यहीं बड़ी हुई, वसंत वाली स्कूल से स्कूलिंग करी, वॉरिक यूनिवर्सिटी से इंग्लिश लिटरेचर में अंडर ग्रेजुएट कर डिग्री हासिल करी, फिर वकालत की पढ़ाई करी, बैरिस्ट्री करी, ऑक्सफर्ड यूनिवर्सिटी से मास्टर्स करा, पर भ्रमित मत होइएगा, दिल दिमाग रूह और संस्कारों से पूरी तरह भारतीय हूँ, और पता था कि भारत वापस जाना। एक दशक से अपना खुद का चेंबर चला रही हूँ आपकी कृपा से, और एक दशक से पार्टी का मुझे कार्य करने का मौका मिल रहा था। परोक्ष रूप से संगठन और कार्यक्रम, मैं कहूंगी पार्टी के लिए, संगठन और पार्टी के लिए केसेस करकर, उसके बाद मेरी सारी बहनें हैं, उसके बाद अचानक से एक दिन फोन कॉल आया, और पता है सोनू दीदी फोन कॉल में क्या था? मुझे कहा गया कि विधि प्रकोष्ठ में आपको सहसंयोजक की भूमिका निभानी। मैंने कहा जी आपका आदेश सर।
उसके बाद मुझे बोला गया कि पार्टी में एक नया दायित्व आपको दिया जा रहा है, दिल्ली प्रदेश में आपको सचिव की भूमिका निभानी है। मैंने कहा आपका आदेश शर्मा थे। 2 मार्च को मैं भी टीवी देख रही थी आप सभी के जैसे, अपने पिता के साथ टीवी देख रही थी और अचानक से पता चला कि पार्टी ने एक नया दायित्व दिया है, आप सभी का लोकसभा प्रत्याशी बना के भेजा है। मन से आवाज आई आपका आदेश शर्मा थे। लेकिन आज मैं जो आपके समक्ष निवेदन करने आई हूँ, आग्रह करने आई हूँ, मैं केवल आपका वोट मांगने नहीं आई हूँ, मुझे तो आपके वोट के साथ साथ आपके प्रचार की शक्ति, आपके प्रसार की शक्ति और आपके प्रभाव की शक्ति की भी आवश्यकता है। और ये आह्वान, ये अपील मैं अपने वाहन, ये अपील मैं आपसे कर रही हूं उस युग पुरुष के लिए जिसने एक दशक में इस देश का कायाकल्प कर दिया, जिसका नाम है नरेंद्र मोदी। भारत माता की जय। भारत माता की जय। एक ऐसे नेता जिन्होंने 25 करोड़ लोगों को गरीबी की रेखा से ऊपर उभारा। मेरे देश की मातृशक्ति यहाँ खड़ी है, सबने सुना है ना कि चूल्हे की रोटी का स्वाद बड़ा गजब होता है, लेकिन उस चूल्हे की रोटी के स्वाद के चक्कर में मेरी माताओं और बहनों के फेफड़े झुलस जाते हैं। माता पहले जाती है, लकड़ी बीन के आती है, सर पर कठरी लेकर आती है, 20 से 25 मिनट लगते हैं उस चूल्हे को सुलगाने में। लेकिन अगर 10 करोड़ से ज्यादा उज्ज्वला गैस कनेक्शन देकर किसी ने मेरे देश की मातृशक्ति को धुएं से निजात दी है तो उस नेता का नाम है नरेंद्र मोदी। कहा जाता है भगवान वाल्मीकि का यदि पूजन ना हो तो यज्ञ अधूरा रह जाता है, लेकिन राम लला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले, जैसे मेरे भाई साहब ने बोला, राम लला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले भगवान वाल्मीकि का आवाहन कर अयोध्या धाम में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा महर्षि वाल्मीकि भगवान के नाम पर रखने वाले नेता का नाम है नरेंद्र मोदी। तालियां। ऐसे नेता जो विरासत भी और विकास भी, विरासत जहाँ एक तरफ अरे होली खेल रहे रघुवीरा 500 साल बाद अवध में, भव्य राम मंदिर का निर्माण कराने वाले नेता का नाम है नरेंद्र मोदी। वचन दिया था, वचन पूरा किया है। काशी विश्वेश्वर की डेवलपमेंट करवाई है, दूसरी तरफ उन्होंने महाकाल का कॉरिडोर बनवाया है। ये है विरासत को सहेजना और विकास। अरे चंद्रयान 3 से भारत पहला ऐसा देश है जिसने जाके चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पे जाकर तिरंगा लहराया है। बोलो नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद, अब की बार, अब की बार, 400 पार, अब की बार, 400 पार। सुध लेने वाले बिना किसी गारंटी के 11,000 करोड़ रुपए का ऋण देने वाले नेता का नाम है नरेंद्र मोदी। जिनकी गारंटी कोई नहीं लेता, उनकी गारंटी लेने वाले नेता का नाम है नरेंद्र मोदी। एक ऐसा नेता जिसे स्टार्टअप इकोनॉमी, यहाँ पे मेरे बड़े युवा बच्चे बैठे हैं, कि विकास की गाड़ी में कोई अवरोध ना पड़े। यदि आप चाहते हैं कि भारत एक विकसित और सशक्त राष्ट्र बने तो 25 मई कौन सी तारीख सुनाई नहीं दिया? कौन सी तारीख 25 मई को जाकर कमल के फूल का बटन दबाकर हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधान सेवक जरूर बनाना।
यहाँ आई हूँ तो इतना प्रेम, इतना आदर, इतना सत्कार मिला है। किसी की छोटी बहन हूँ, किसी की भांजी हूँ, किसी की बेटी हूँ। अरे आप मुझे बहन कहें, आप मुझे भांजी कहें, या आप मुझे बेटी कहें, तीनों है तो मान के रिश्ते। तो मैं खाली हाथ तो नहीं जाऊंगी, खाली हाथ भेजेंगे क्या? खाली हाथ भेजोगे क्या? नहीं ना दीदी, जरा हाथ दिखा दो, नहीं भेजोगी ना खाली हाथ? फिर नाक कट जाएगी पुरानी नांगल के, तो मुझे खाली हाथ भेज दिया था, क्या बोलेंगे? है ना, मान के रिश्ते को खाली हाथ भेज दिया। तो बताओ क्या मांगती हूँ? आपका वोट मांगती हूँ। लेकिन दोबारा आपका ये आशीर्वाद, वोट का आशीर्वाद जो मैं मांग रही हूँ, अपने लिए नहीं मांग रही, बल्कि इसलिए क्योंकि भी तक लेके जाना है आपने, 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 मैंने मिलकर। अरे अकेली तो मैं केवल एक बांसुरी स्वराज हूँ, लेकिन पुरानी नांगल की अगर ताकत मुझे मिल जाए तो मेरा बाहुबल सहस्त्र बाहुबल हो जाए। पर खाली हाथ तो हम भी नहीं भेजेंगे भाई, खाली हाथ तो हम भी नहीं भेजेंगे। वैसे भी नवरात्रि आ रही, त्योहारों में थोड़ी खाली हाथ भेजेंगे। तीन वचन करती हूँ आपसे। पहला, यदि जिताकर भेजेंगे अपनी सांसद के रूप में, तो आपकी सुख दुख की साथिन बन, आपके बीच में उपलब्ध रहकर आपकी जितनी भी समस्याएं हैं उनके निवारण का पूरा पूरा प्रयास करूं। क्या पता राम कृपा से शायद महर्षि वाल्मीकि भगवान के मंदिर की छत डलवाने का भी सौभाग्य दे दे भगवान। है ना नरेश भाई? सही कह रही हूँ ना? राम जी की कृपा से शायद वो मौका भी दिलवा दे भगवान, भारत बना दे, निमित बना दे। दूसरा वचन देते, जैसे मेरे बड़े भाई लाल सिंह जी ने कहा, जब भी ये आवाज संसद में गूंजेगी भाई साहब, तो ये अकेली बांसुरी स्वराज की आवाज नहीं होगी, ये यहाँ उपस्थित मोदी के परिवार के एक एक परिजन की आवाज होगी। और तीसरा वचन, जो आशीर्वाद, जो स्नेह, जो आदर आज आपने मुझ पर न्योछावर करा है, वचन देती हूँ उसे कभी शर्मिंदा नहीं होने दूंगी। अगर है मेरे साथ तो संकल्प लीजिए, अब की बार 400 पर मोदी सरकार, फिर एक बार मोदी सरकार। जय भारत, जय भीम, भारत माता की जय। आप सभी ने समय निकाल कर मुझे सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले जैसे अभी यहाँ पे सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज आई और वोट मांग कर गई, तो इस बार जनता क्या उनको वोट देगी यहाँ की, ये बताइए। बांसुरी स्वराज जी अब केवल सुषमा जी की बेटी नहीं है, वो कॉन्टिनेंट एरिया की बेटी है। अच्छा। वो दिल्ली लोकसभा की बेटी है, वो दिल्ली की बेटी है, वो नारी शक्ति की एक पहचान है। और भारतीय जनता पार्टी ने हमारी नन्नी मुन्नी बहन बांसुरी को टिकट दिया है, ये संदेश दिया है कि बेटी भी हिंदुस्तान की संसद में पहुंच सकती है और महिलाओं की आवाज़ बन सकती है। और सिर्फ दिल्ली की सभी सीटें जीतकर बांसुरी जी भी एक रिकॉर्ड मतों से जीतेंगी। और अब की बार एक चीज़ देखने को मिल रही है, दिल्ली के अंदर देश के अंदर अनुसूचित जाति का बहुत बड़ी संख्या, बड़ा वर्ग आज नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ा है। इसलिए खड़ा है कि पहली बार चाहे महर्षि वाल्मीकि हो, रविदास जी हो, अंबेडकर जी हो, इनकी जयंतियाँ पुण्यतिथियाँ बड़े स्तर पर संविधान दिवस मनाने का कार्यक्रम हो, जो कांग्रेस ने कभी नहीं मनाया, उनके नाम से कभी बिल्डिंगों के नाम नहीं रखे। बाबा साहब अंबेडकर के पंचतीर्थ बनाना, रविदास जी के नाम से 100 करोड़ का मंदिर सागर में मध्य प्रदेश में बनाना, और हवाई अड्डे का नाम महर्षि वाल्मीकि के नाम से रखना, ये सिद्ध करता है कि मोदी जी सामाजिक समरसता में विश्वास करते हैं, मोदी जी सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं।
अच्छा ये बताइए सर, एक नारा चल रहा है इस बार 400 पार, क्या लगता है 400 पार हो पाएगा, क्योंकि 2020 में भी इस तरीके का एक नारा दिया गया था, अब की बार 45 पार और सीटें आई 8। मुझे लग रहा है पिछली बार लोकसभा चुनाव में मोदी जी ने कहा था 300 पार, 2020 की बात, एक मिनट सुन लीजिए, उसमें 303 आई हैं और अब की बार उन्होंने नारा दिया है 400 पार, तो 400 पार ही होगा। उसके कारण हैं, देश का किसान आज खुशहाल है, आज वैज्ञानिक खुशी महसूस करता है, आज सीमा पर लड़ने वाला नौजवान भी कहता है कि खुली छूट दे दी गई है, अगर कोई विदेशी आँख उठाता है तो आप चुप मत बैठिए। ये हिम्मत यूक्रेन रूस के युद्ध में 3,500 बच्चे, हर समाज के, हर धर्म के बच्चे फंसे हुए थे, 8 घंटे तक युद्ध बंद कराना और बच्चों को सुरक्षित भारत में लाना, ये ताकत किसी ने पैदा की है तो नरेंद्र मोदी ने की है। और इसलिए आम आदमी को, चाहे वो दलित हो, आदिवासी हो, पिछड़ा हो, महिला हो, पुरुष हो, सबको नरेंद्र मोदी में विश्वास है, सबको उनके प्रति श्रद्धा है, इसलिए सबका संकल्प है अब की बार 400। एक और सवाल ये रहेगा सर कि क्या सारे भ्रष्ट नेता जो हैं आम आदमी पार्टी में ही है क्या, बीजेपी में है? मुझे लग रहा है भ्रष्टाचार के खिलाफ एक निर्णायक लड़ाई मोदी जी लड़ रहे हैं, केवल नेताओं वाला विषय नहीं है। देखिए, नंबर एक, कांग्रेस के समय में 13.25 करोड़ बैंक में खाते थे, मोदी जी ने 52 करोड़ बैंक में खाते खोल दिए ताकि हमारे गरीबों के खाते में सीधा पैसा जाए, कोई 2 पैसे खा नहीं पाए। एक काम किया, 10 करोड़ फर्जी राशन कार्ड, गैस सिलेंडर के परमिट जो बेचारे गरीबों के नहीं थे, ऐसी सभी चीज़ें बंद कर दी, तो वो भी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई थी। और अब कोई भी हो, किसी भी पार्टी का हो, जो गरीबों का खून चूसकर अपने महल खड़े करता है, वहाँ नरेंद्र मोदी पहुँचने की ताकत पैदा कर रहे हैं। आखिर देश में भ्रष्टाचार होना चाहिए, आखिर घोटाले होना चाहिए, इस पर कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? और आप पार्टी का कोई नेता अगर भ्रष्टाचार करता है तो उस पर कार्रवाई नहीं होना चाहिए कि आप पार्टी के नेता ये कहते हैं क्या? शराब घोटाले में हमारी गलियों में रहने वाले गरीब लोगों के यहाँ एक बोतल के साथ दूसरी फ्री, यानी कि दारूबाज बना दो ताकि घर बर्बाद हो जाए और पैसा खा रहे आप पार्टी के नेता। आज तो संजय सिंह ये भी कह रहे हैं कि एलजी साहब संविधान को बचाएं, तो बीजेपी पार्टी के नेताओं के भी लिए भी एक बैठक करवाएं, सीबीआई की जांच करवाएं, सब निकलेगा घोटाला किसने किया। लगता है संविधान को कोई खतरा नहीं है, संविधान को खतरा कांग्रेस ने पैदा किया, 88 संशोधन कांग्रेस ने किए संविधान में। संविधान को खतरा उस दिन पैदा हुआ जब हिंदुस्तान में 1975 में आपातकाल लगा था, संविधान की आत्मा को तब चोट पहुंची जब 370 धारा लगाई थी, वहां दलितों को आरक्षण नहीं मिलता था, वहां SC ST की सीटें आरक्षित नहीं थी, मोदी जी ने 370 खत्म करी, 7 सीटें SC के लिए आरक्षित पहली बार हुई है और 9 सीटें आदिवासियों के लिए पहली बार आरक्षित हुई है। उस कश्मीर में केसर की क्यारियों में अब निर्दोष लोगों का खून नहीं बहता है, अब शांति का टापू बन गया है, अब फिल्मों की शूटिंग उस जम्मू कश्मीर में होती है। और ये केजरीवाल, ये आप पार्टी के संजय सिंह कहते थे लोकपाल लाएंगे, भ्रष्टाचारी जेल में जाना चाहिए, अब दर्द क्यों हो रहा है? तुम भ्रष्टाचार करो तो जेल में नहीं जाओगे। तुमने अन्ना जी के साथ दिल्ली के मैदान में कहा था लोकपाल बनाएंगे, क्यों नहीं बनाए? कांग्रेस के खिलाफ बोलते थे कांग्रेस के नेता घोटाले कर रहे, जेल में जाना चाहिए। उन कांग्रेस के साथ, उन्हीं लालू के साथ जो घोटाले में फंसे हैं, जेल में गए हैं, उनके साथ आज गले मिल रहे हैं। इसका मतलब है आप पार्टी अब भ्रष्टाचार की नई पहचान बन गई है, वो कांग्रेस की दूसरी पार्टी बन गई है जो नोट खा के भी अपने आप को ईमानदार बताते हैं। सर आप क्या नाम है सर? ललित कुमार। ललित कुमार जी, ये बताइए आज यहाँ पे बांसुरी स्वराज आई चुनाव प्रचार प्रसार के लिए, वोट मांगते हैं, क्या इस बार बीजेपी को अपनी पसंद बनाएंगे? जी बिल्कुल बनाएंगे। क्या कारण है? कारण यही है कि बीजेपी ने हमारे गांव में इतना काम करा है जी, और हम खुद बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, जिले में मैं SC मोर्चे में महामंत्री हूँ, मैं खुद लोगों का काम इतने कराता हूँ कि हम लोग हमें चाहते हैं कि हम आए सत्ता में जी। पर लगातार जिस तरीके से दिल्ली के अंदर ED केजरीवाल को जेल में डाल देती है और भी नेताओं को, आम आदमी पार्टी के नेताओं को जेल में डाल देती है, क्या लगता है कि बीजेपी पार्टी में घोटाले नहीं होते, क्या वहाँ भ्रष्टाचार नहीं होता? जी केजरीवाल तो भ्रष्ट है, सबको पता है, सबको पता है, अगर भ्रष्ट नहीं होता तो आज वो जेल के अंदर नहीं होता। ठीक जी मैम, ये बताइए जहाँ
इस बार जनता है वो राम मंदिर के नाम पर वोट करेगी, क्या यही कारण आप भी वोट करेंगे? सिर्फ यही कारण नहीं है कि राम मंदिर सबसे बड़ा कारण है हमारा, लेकिन इसके अलावा भी हमारे पास और कारण है जो बीजेपी को वोट दिए जाए। आप चाहे अपने हाईवे लगा लीजिए, अपने एम्स लगा लीजिए, सब पहले जब बीजेपी नहीं थी तब कितने एम्स थे, गिनती का एक ही एम्स था जो दिल्ली में था हमारे पास। अब हमारे पास हर स्टेट में आपको एम्स मिलेंगे, ठीक है ना। स्वास्थ्य के क्षेत्र में लगा लीजिए आप, रोड अपने जो परिवहन के क्षेत्र में लगा लीजिए, और कितनी चीज़ें इन्होंने की है। सबसे बड़ी चीज़ें मंदिर के नाम पे, जो हमारे पास एक गिनी चुनी चीज़ें होती थी, ताजमहल देखने जाते थे हम लोग, ठीक है। वैसे हमारा जो हिंदुस्तान है, हमारा भारत है, हिंदू राष्ट्र है, तो हिंदुओं के लिए ही, धर्म के लिए हमारा जो मोदी जी ने इतने बड़े बड़े काम किए आज तक किसी ने नहीं किया। धारा 370 जो हटाई है, हम कश्मीर में इससे पहले जा सकते थे क्या? ये भी तो कारण है कि हमारे पास वोट देने का। आज हम बेधड़क कश्मीर जा सकते हैं, ज़मीन भी खरीद सकते हैं वहाँ पर। उससे पहले किसी की हिम्मत नहीं थी क्योंकि आतंकवाद इतना था, कोई बिना परमिशन वहाँ पर जा ही नहीं सकता था ऐसे। क्या आपको नहीं लगता मोदी जी क्या किसी खास धर्म को बढ़ावा दे रहे हैं? नहीं, मोदी जी सबको बढ़ावा देते हैं जी, हिंदू धर्म और हर धर्म को बढ़ावा देते हैं, वो गलत नहीं करते किसी के साथ। और अब CA लागू करा, अब हम कह नहीं सकते कि हिंदू धर्म को बढ़ावा देते हैं। CA लागू करा मोदी जी, ठीक है, बीजेपी पार्टी ने किया तो भी देखा जाए उसमें भी पाकिस्तानी हिंदू भाई बहनों को ही अधिकार मिला है जी, जो मिला है, जो बाहर से लोग आए हैं, जो यहाँ रह रहे हैं काफ़ी समय से, उनको अधिकार मिला है और मिलना भी चाहिए था। देखिए किस तरीके से बांसुरी स्वराज जो नई दिल्ली सीट से सांसद उम्मीदवार हैं चुनाव प्रचार प्रसार करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और किस तरीके से लोगों से वोट मांग रही हैं, किस तरीके से अब लोगों को अपना परिवार बताती हैं और वोट मांगती हैं। वही आज पुरानी नांगल में आती हैं, लोगों से अपना वोट के तौर पर आशीर्वाद के तौर पर वोट मांगती हैं, कहती हैं कि मैं आपकी बेटी हूँ, भांजी हूँ, बहन हूँ, और वोट लेकर जाऊंगी। इस तरीके पर जब मैंने उनसे सवाल पूछा कि सारे भ्रष्ट नेता क्या आम आदमी पार्टी में है, तो किस तरीके से सवालों से बचते हुए नजर आए। आप देख सकते हैं साफ तौर पर किस तरीके से सवालों से कतराते हुए नजर आए, और फिर भी लोगों का भरोसा है कि जो वोट करेंगे बीजेपी पार्टी को करेंगे। इसके साथ ही देखते रहें झलको दिल्ली में, कैमरामैन नरेश के साथ पूनम।